नमस्कार छात्रों, एक बार फिर आप लोगों का ऑनलाइन कक्षा में फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर सूरज लोकापुर, हिंदी विभाग, गोगटे पदवी पूर्व वाणिज्य महाविद्यालय टिलकवाड़ी बेलगांव की ओर से आप सभी लोगों का पुनः एक बार ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। छात्रों, जैसे कि हमने पिछले दो क्लासों से एकांकी भाग सूखी डाली के दीर्घोत्तरी प्रश्न जो 5 अंक के लिए पूछे जाते हैं और व्याख्यात्मक होते हैं, उनमें हमने पुनरावृत्त तथा परीक्षा की दृष्टि से 10 प्रश्नों को चुना था, जिनमें से अब तक 7 प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज के हम अंतिम 3 चुने गए 10 में से अंतिम 3 प्रश्नों को लेकर कैसे लिखा जाए तो ज़्यादा अंकों की प्राप्ति होगी, उस पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो आज की कक्षा में हम पहला जो प्रश्न है वो होगा, बेला अपने मायके क्यों जाना चाहती थी। उसके बाद जो दूसरा होगा वो है, दादाजी का चरित्र चित्रण कीजिए। और तीसरा जो है वो बेला की चारित्रिक विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। 5 अंकों के लिए जितना आवश्यक है उतने हिसाब से या फिर उतना ही यहाँ पर दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, बेला अपने मायके क्यों जाना चाहती थी। इसका उत्तर इस प्रकार होगा, दादाजी के समझाने के बाद जब घर के सब सदस्य बेला का आदर सत्कार करने लगे, उसके सामने सब चुप रहने लगे, उसके आने पर सब खड़े हो जाते, घर के सदस्यों में आया यह परिवर्तन देखकर बेला परेशान हो जाती है। वह अपने पति परेश से कहती भी है कि आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि मैं अपरिचितों के बीच आ गई हूँ। तब परेश के पूछने पर कि बात क्या हुई बताओ तो सही, तब बेला कहती है, कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती, मैं जाती हूँ तो सब खड़े हो जाते हैं, मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करता, सब मुझसे ऐसे डरते हैं जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से डरते हैं, कोई मुझे काम को हाथ नहीं लगाने देता, तनिक सा भी काम कर लूं तो सब भागी चली आती हैं, सब मेरा इस प्रकार आदर करने लगी हैं मानो मैं ही घर में सबसे बड़ी हूं। घर के सदस्यों से इतना आदर सत्कार पाकर बेला एक प्रकार से असमंजस में पड़ गई है और वह समझ नहीं पा रही कि वह क्या करे। ऐसी मनोदशा में बेला की मन में एक ही बात चलती रहती है कि वो मायके चली जाए, और इसी भावना को वह अपने पति परेश के सामने प्रस्तुत करते हुए कहती है कि मुझे आप अपने मायके भेज दें। इसके बाद दूसरा है, दादाजी का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका उत्तर होगा, दादाजी के मुखिया होते, घर एकत्र या सम्मिलित स्वरूप में प्रकट हुआ है। दादाजी घर के मुखिया हैं, 72 वर्ष की आयु में भी उनका शरीर झुका नहीं है और उनकी लंबी दाढ़ियाँ पेट को छूती हुई मानो इस प्रकार प्रमाण कर रही हैं कि वो जमीन को छू जाएंगी। दादाजी ने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से बहुत जमीन बनाई हैं। हाल ही में उन्होंने एक फैक्ट्री भी लगाई है। दादाजी कुटुंब को एक बरगद के वृक्ष की तरह समझते हैं। उनका मानना है कि बड़प्पन मन के भीतर होता है और बड़प्पन अपनी योग्यता से साबित किया जा सकता है। वे कहते हैं कि घृणा को घृणा से नहीं अपितु प्रेम एवं स्नेह से मिटाना
आवश्यक होता है। दादाजी के व्यक्तित्व के साथ ये बात भी जुड़ी है कि वो अपने इस महान वट या फिर बरगद जैसे कुटुंब में कभी कोई अघट घटना होने देना नहीं चाहते। इसी सिलसिले में दादाजी एक बार कहते भी हैं कि हल्की सी खरोच पर भी अगर तत्काल दवाई न लगाई जाए तो वह नासूर बन जाता है। दादाजी सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन यह कभी नहीं सह सकते कि महान वट वृक्ष की डालियां टूटकर वृक्ष से अलग हो जाएं। अर्थात घर परिवार का कोई भी सदस्य परिवार को त्याग कर चला जाए, यह दादाजी से सहन नहीं है। दादाजी के अनुसार कुटुंब एक बड़ा वृक्ष है, हम सब उसकी डालियां हैं। डालियां छोटी हों या बड़ी, सभी उसकी छाया को बढ़ाती हैं। दादाजी यह भी कहते हैं कि वृक्ष की कोई भी डाल टूटकर वृक्ष से अगर अलग हो जाए तो बाद में उसमें आप कितना भी पानी दो, उसमें सरसता नहीं आती। दादाजी परिवार की सब समस्याएं सुलझाने में सक्षम हैं। परिवार के सभी सदस्य दादाजी का आदर करते हैं और उनका कहना सदैव मानते हैं। इस प्रकार दादाजी घर के मुखिया के साथ साथ घर परिवार को जोड़े रखने का एक जरिए के रूप में भी काम करते हुए इस पूरे एकांकी में नजर आते हैं। अब तीसरा और अंतिम दीर्घोत्तरी प्रश्न है परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से। बेला की चारित्रिक विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। इसका उत्तर इस प्रकार होगा, बेला एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की है। उसका विवाह नायब तहसीलदार परेश से हो जाता है, जो दादाजी के कुटुंब का एक सदस्य है। ससुराल में आकर बेला स्वयं को नए घर के वातावरण के अनुसार ढाल नहीं पाती। घर में छोटी बहू होने के कारण सब उस पर हुक्म चलाते हैं। बेला को अपने मायके का घर इस घर से अधिक अच्छा लगता है। वह आधुनिक है, आधुनिक सोच के चलते वह यह चाहती है कि आधुनिक ढंग से घर को सजा कर रखें। घर में सब उसकी आलोचना जब करने लगते हैं और वह किसी का हस्तक्षेप अपने जीवन या व्यवहार में पसंद नहीं करती, तब पारिवारिक द्वंद्व निर्माण होने लगता है। वह परेश से अलग गृहस्थी बसाने का सुझाव भी देती है। इस बात को जब परेश द्वारा दादाजी सुनते हैं तो वो परिवार के सभी सदस्यों से कहते हैं कि बेला का कोई भी अनादर नहीं करेगा, बेला को सब सम्मान देंगे और बेला का ध्यान रखेंगे। तब सब बेला का आदर करने लगते हैं, उसके सामने सब बड़े खड़े होने लगते हैं और उसके सामने हंसना, बात करना, हंसी मजाक सब बंद हो जाता है। बेला अब दुखी रहने लगती है। वास्तव में वह आदर नहीं चाहती, अपितु सबके साथ घुल मिलकर रहना चाहती है, सबके साथ काम करना चाहती है। जब बेला को मालूम पड़ता है इंदु द्वारा कि यह सब आदर सत्कार वाली चीज़ें दादाजी के कहने के कारण हो रही हैं, तो वह भावावेश में आकर दादाजी से पूछ बैठती है कि दादाजी, क्या आप पेड़ की किसी डाली का टूट कर अलग होना जब पसंद नहीं करते, तो क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए? तो इस प्रकार बेला इस पूरे एकांकी में आधुनिक एवं शिक्षण प्राप्त नव युवती के किरदार में प्रस्तुत होती है, जो पूर्व में इकलौती होने के कारण जो आज़ादी प्राप्त कर चुकी है, अपने मायके में आज़ादी पसंद जीवन जी चुकी है, उसे सम्मिलित कुटुंब के तौर तरीकों से समस्याएं होती हैं। लेकिन बेला अपनी तुरत बुद्धि के कारण और कोमल स्वभाव के कारण
अब अपने ससुराल के परिवार में घुल मिल जाती है या घुल मिल जाना चाहती है। तो इस प्रकार छात्रों, अगर इन चुने हुए 10 पुनरावृत्त प्रश्नों को अगर आप परीक्षा की दृष्टि से तैयार करके रखते हैं तो एकांकी भाग में जहां पर सूखी डाली से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से 1 आपको लिखना है 5 अंकों के लिए, तो एकांकी भाग से 5 अंक आपके निश्चित हो जाएंगे। तो इसी आशा के साथ कि आप इन प्रश्नोत्तरों को ध्यान से सुनकर अपनी किताब में लिखकर रख रहे होंगे, हम आशा करते हैं कि जब कक्षाएं शुरू होंगी तो हम इन चीज़ों को और एक बार पुनरावृत्ति के लिए लेंगे। धन्यवाद।